आमिर भाई हो गया, उसका सर आ जाएगा। बस मोटी होती है, लिपाई के बचा देती है। जी बिल्कुल होती है, ये डबल लिपाई हुई होती है। ये आप यहाँ से अंदाजा कर लें, ये अब लेबर ने ऊपर से उतार के फेंक अपने घर में पाल लें जी। उसको एक से दो मन तीन मन चाहिए अभी जी, मिसाल के तौर पे। तो वो सप्लाई करोगे या फिर नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल, इसमें रिटेल में देखें होता यही है। ये तूरी गिरी ऊपर से ऐसे करके डायरेक्ट, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे ही मंडी में खुश आमदीद दोस्तों। भाई आपको पता है पंजाब आए हैं, मुल्तान भाई हरियाली देखें सबसे पहले तो आप। बाकी भाई सीन ये है कि भाई आज ना तूरी की बेल बनती है, अगर आप लोगों को कुछ लोगों को शायद पता हो, नहीं पता होगा तो आज मेकिंग दिखा देंगे तूरी। तो इन सात भाई लोगों का मतलब पाइनियर कैटल फार्म का जो है भाई तूरी का काम भी है, तो मैंने कहा क्यों ना भाई इसको भी कवर किया जाए। आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है काफ़ी कि भाई ख़राब क्यों नहीं होती है, सबसे पहला सवाल तो भाई यही है। और इसमें दो नंबरियाँ कैसे होती हैं, असल सवाल जो है ना भाई वो ये है कि भाई दो नंबरी कैसे की जा सकती है इसमें, कि भाई पानी वाली दे दी या कुछ दे दिया। तो इन सब चीज़ों से आप लोग कैसे बच सकते हैं, पैकिंग किस तरह होती है, पैकिंग को पता नहीं इसकी बेलिंग बोलते हैं आई थिंक इंग्लिश में, तो तूरी की बेलिंग जो है भाई आज हम खुद करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें। और भाई पीछे का जो नज़ारे हैं ना यार, मैं ज़रा फ्रंट कैमरा करके वो बैक कैमरा करके आपको दिखाता हूँ। उफ़ भाई ये देखें माशाल्लाह यार बेहतरीन। भाई वो उधर वो आपको अगर दिख रही हो बिल्डिंग, तो वो उधर घर है, उसके पीछे बाड़ा है, और यहाँ पे जो है भाई ये तूरी का सेटअप माशाल्लाह। भाई यहाँ पे देखिए भाई सनसेट हो रहा है, बहुत खूबसूरत व्यू इस वक्त भाई मैं देख रहा हूँ अपनी आँखों से, आप लोगों को दिखा रहा हूँ माशाल्लाह यार। भाई ये देखें ये पूरी तूरी 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 है। ये पूछेंगे भाई कहाँ से आ रही है इतनी तूरी, और जो है भाई इसकी टेक केयर कैसे हो रही है। देखिए शायद ऊपर कुछ इन्होंने बिछाया हुआ अभी है, ज़रा पूछेंगे इन्हीं से। आप पीछे मशीन देख रहे हैं, ये बेलिंग अभी बनने स्टार्ट ही हो रही है। बेलिंग भाई रैपिंग को बोलते हैं, अभी हम खुद भी इंशाल्लाह करेंगे। बाकी उससे पहले भाई हबीब भाई हमारे साथ मौजूद हैं भाई, पाइनियर की पूरी मतलब ये जो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यही टेक केयर करते हैं इस काम की, ये इनके ज़िम्मे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं हबीब भाई? ठीक ठाक बेहतरीन। हबीब भाई मेरा पहला सवाल ये है कि भाई ये जो है टूरी आ कहाँ से रही है? ये जी जब गंदम का सीज़न आता है तो ये गंदम की बाय प्रोडक्ट है, तो उस दौरान गंदम जब हार्वेस्ट की जाती है तो उसके नतीजे में तूरी बनती है, तो उस वक्त उन फील्ड से परचेज़ की जाती है, तो ये परचेज़ करके इकट्ठी एक जगह हम डंप कर लेते हैं उस वक्त। तो ये आप लोगों का खुद का ही है ज़मीन वगैरह? नहीं ये हम आउटसोर्स करते हैं, बाहर से ख़रीदते हैं। ठीक है, जब बन रही होती है तो हम क्वालिटी के देख के जो हमें पसंद आ जाती है उसके मुताबिक हम परचेज़ करते हैं। सही सही। अच्छा क्वालिटी की आपने बात की है, मेरा ये सवाल भी था, मैंने पीछे डिस्कस किया अपनी ऑडियंस से कि भाई अब दो नंबरियाँ बहुत होती हैं जी। बिल्कुल, वो तो पाकिस्तान हर फील्ड में होती है। क्या पहचान है? देखें जी सबसे पहले ये कि इसमें चॉप साइज़ होता है, हम चॉप साइज़ लेते हैं। अच्छा दूसरे नंबर पे हम ये देखते हैं कि ये मट्टी से बिल्कुल पाक हो। अच्छा, ठीक है, मट्टी से बिल्कुल पाक का तरीका ये होता है कि ये देखें मैं यहाँ से गिरा रहा हूँ। सही है। ठीक है, तो ये हाथ के ऊपर तूड़ी का खाका आया, मट्टी नहीं आई। सही। ठीक है, तो आम तौर पे क्या होता है जिस तूड़ी में मट्टी होती है ना, यानी आप यूँ हाथ करें यूँ करें तो आपको ढेर सारी मट्टी नज़र आएगी। अच्छा अच्छा, आपने अभी एक बात की मट्टी वाली, अब जैसे ये बने हुए हैं जी जी, आम आदमी तो ये ख़रीद रहा है ना जी जी, तो वो मट्टी की पहचान कैसे करेगा? वो मट्टी की पहचान ऐसे करेगा कि वो बंडल को खोले। अच्छा ठीक है, दुकान पे शॉप पे खोल ले, बाद में खोल ले। हाँ बंडल को खोल ले, उस वो जब उसको नरम कर लेगा पूरे तरीके से, उसमें हाथ डालेगा या उसने पके फर्श पे किया है तो अगर मट्टी होगी तो उसको नीचे नज़र आ जाएगी। अच्छा सही। और ये जो है इसकी भाई टेक केयर कैसे होती है पानी से? हाँ जी, जब इसको हम कर लेते हैं फिर इसको ना एक लेबर होती है, वो इसको डंप करती है, इसको इसको प्रेस करती है। ठीक है, इसका ऊंचा पहाड़नुमा इसको बनाती है। ठीक है, उसके बाद इसकी ना मुल्तानी मट्टी जो चकनी मट्टी होती है उससे इसकी लिपाई करते हैं। अच्छा। तो जब हम इसकी पैकिंग करते हैं ना, लिपाई क्या होती है? लिपाई होती है कि वो मट्टी की इसके ऊपर ना एक तय बना कीचड़ की बना के ना उसके ऊपर वो प्लस्तर कर देते हैं। ये जैसे हुआ है, जैसे ये हुआ सामने। तो जब हम इसकी पैकिंग करते हैं तो हमारी लेबर जो होती है, जैसे आप ये नीचे देख सकते हैं, ये ऊपर से लिपाई जो है ना वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, यानी जो ऊपर से बारिश की वजह से डिसकलर हो चुकी होती है या वो होती है, उसको ये यूं उतारते हैं और एक तरफ फेंकते जाते हैं। ये वाली तय, तो ये बिल्कुल मट्टी की तय। अच्छा, पे आपको मैं तो दिखाता हूँ। इतनी मोटी होती है, लिपाई के बचा देती है? जी बिल्कुल होती है, ये डबल लिपाई हुई होती है। ये आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें, ये अब लेबर ने ऊपर से उतार के फेंकी है। इतनी मोटी तय होती है कि ये उसको पानी अंदर नहीं जाने देती। सही। तो बाकी जो है मट्टी इस तरह निकाल के लहदा फेंक दी जाती है, आप ये देख सकते हैं सारी, ये इस तरफ भी और उस तरफ भी दोनों तरफ मट्टी निकाल के फेंक दी गई। अच्छा बेलिंग जो है
बेलिंग अभी स्टार्ट हो रही है जी, बेलिंग थोड़ी देर में स्टार्ट हो रही है। बेलिंग स्टार्ट हो रही है तो हम बेलिंग बनाते भी, हम मैं बना सकता हूँ बेलिंग जी? बिल्कुल आप भी कर सकते हैं। इसमें होता है मेन, जब प्रेस चल रहा होता है मेन ऑपरेटर होता है असम्बली पे, बाकी लेबर ने फिलिंग करनी होती है। सही है। तो असम्बली भी जो ऑपरेटर होता है उसने देखना होता है कि बेल बन गई है। अच्छा। ठीक है, तो वो लेबर को इशारा करता है इसको पट्टी लगा दें। सही। तो वो पट्टी लगा देते हैं, जैसे पट्टी लगती है तो वो जैक को ऊपर उठा देता है। अच्छा। और बेल बाहर निकल आती है। चलिए भाई अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपको दिखाएंगे बल्कि हम करेंगे भी इंशाल्लाह ताला। तो भाई वो ट्रैक्टर जो है ना वो इस मशीन के आगे आगे लग गया। अच्छा, ये कुछ पाइप वगैरह से शायद कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ, ये क्रॉस लगा रहे हैं इसको। क्रॉस लगा रहे हैं? हाँ, ये पीटीओ शॉपर्ट होती है इसकी। अच्छा, तो ऑपरेट करती है जस्ट लाइक मोटर। अच्छा, तो भाई ये देखें तूरी गिरी है ऊपर से ऐसे करके डायरेक्ट ये। ओए होए होए होए, चलें भाई अब ये तूरी जाए देखिए हमें ये ऐसे ऊपर जाएगी अभी। अच्छा दोस्तों, जब से मैं सोच रहा था भाई जाएगी कैसे वहाँ तक, तो देखें अच्छा ह्यूमन पावर ही लेके जाती है भाई। मशीनरी आपके पास हो तब भी ह्यूमन पावर जो है भाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये देखें बोरे में भर के ऊपर लेके गए हैं और शायद मॉडर्न एरिया पे काम हो रहा है उस पर कि भाई डायरेक्टली शायद पहुँचते हो भाई इस तरह की मशीनरीज हों। लेकिन मेरे ख्याल में जितनी भी मशीनरी आ जाए ह्यूमन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है भाई। बारह ऊपर भाई इसको ऐसे कर रहे हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों एक चीज़ पता चली है, मुझे तो लग रहा था कि कोई ना काम वगैरह होगा, तो अभी मुझे अभी भाई ने बताया ये बस ना आपने जो काम करना है वो ये करना है कि ये आपने नीचे करना है। सही है। तो ये ऐसे वहाँ से जो तूरी होगी वो नीचे गिरेगी और फिर आपने वो जब उठाना है तो ऊपर चली जाएगा वो, और पता नहीं उसमें वो पंच कर देगा तो उससे जो होगा ना ऐसी शेप आ जाएगी और वो फिर आपकी तूरी जो होगी वो बेलिंग हो गई। अच्छा दोस्तों, इस काम के लिए भी भाई लेबर है कि आपने देखा वो रैप हल्का सा लगा रही है। जो मशीन का काम है वो सिर्फ इसको इक्वल शेप में लाने का है। तो मैं समझता हूँ कि असल काम जो भाई कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं भाई इंसानों को। वैसे मशीन भी कर ही रही है, उसकी बदौलत हो रहा है ये इस तरह से शेप में आ रहा है। बस ये देखें अभी यहाँ से ये रिबन को अटकाएंगे फिर वो मशीन जो है भाई वो ऐसे करके घुमाया यूँ, मतलब शेप दे रही है मशीन जो बेसिकली दे रही है। तो भाई हम भी ज़रा जाके एक वो नीचे कर देंगे, अपना एक शहीदों में नाम ज़रूर लिखवाएंगे कि हमने भी भाई बेल तैयार किया, असल काम भाई ये बेचारे कर रहे हैं। तो भाई शामिर भाई को बहुत शौक हो रहा था कि उनको एक बेल बनानी थी, तो हमने हबीब भाई से रिक्वेस्ट करके उनको इजाज़त दी है। अब देखते हैं कि शामिर भाई किस तरह की बेल बना के लेकर आते हैं हमारे लिए। खुश तो बहुत हो रहे हैं ये देखें, बहुत मेहनत करी है शामिर भाई ने इस लेवर को नीचे पुल करने के लिए। बहुत मुश्किल प्रोसेस था ये। और जी ये कंप्लीट हो गया, ज़्यादा उसको पुल कर दिया था। अब देखते हैं शामिर भाई ने कैसी तूड़ी बनाई है हमारी। भाई असल काम है, फिर बोल रहे हैं इन लोगों का है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो शामिर भाई कितना मुश्किल प्रोसेस था ये बेल तैयार करने का? बहुत ज़्यादा था, मतलब तुम ये सोचो ना कैसे करके नीचे इतनी जान लगा के करना पड़ा था कि बस क्या बोलूं। शामिर भाई आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आपने इतनी अच्छी बेल बनाई है हमारे लिए। अच्छा कंप्लीट नहीं हुई, सॉरी कंप्लीट नहीं हुई है। और ये भाई अब यहाँ से धक्का देंगे इसको, उठाना भी है भाई। अच्छा उठाना भी है, एक प्रोसेस और। और भाई ये देख सकते हैं आप, ये शामिर भाई की तैयार शुदा बेल बाहर आ चुकी है। हो गया शामिर भाई, हो गया सर आ जाएगा। बस हो गया भाई। एक चीज़ और सीखने को मिली कि अगर छे ना भाई आप ऊपर करके वो छोड़ दोगे ना तो जो वर्कर का हाथ होगा ना उसके नीचे आके गिर जाएगा, तो इसलिए भाई काम मेरा भी इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा दोस्तों ये सीन है कि भाई आपने अभी मुल्तान की वीडियो तो देखी है तूरी की, अब उमैर हमारे साथ मौजूद है भाई। टूरी इतना मतलब वहाँ पे काम हो रहा है इसका, करते क्या हैं ये लोग, इनसे ज़रा यहाँ पे भी जान लेते हैं। पीछे बहुत सारे इन्होंने यहाँ पे टूरी के बना के रखे हुए, पूछ लेते हैं भाई ज़रा क्या मामला है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप इतनी सारी जो बना, भाई क्या कर रहे हो टूरी का ये? शामिर भाई सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको, आपके व्यूअर्स को। शामिर भाई टूरी का ये है कि हम लोग यहाँ पर अभी रिटेल की शॉप खोली है माशाल्लाह से, तो साथ साथ हम लोग अपने जानवर के यूज़ के अलावा हम लोग ने यहाँ पे रिटेल का सेटअप भी डाला है, जो कि माशाल्लाह से अभी तो एक शॉप है लेकिन इसको भी लेके हमारा फर्दर प्लान्स है कि इंशाल्लाह इसको 4-5 रिटेल शॉप्स पे लेकर जाएंगे इंशाल्लाह।
और बस यही है, बाकी आप देख सकते हैं स्टॉक हमारे पास बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से। एक बात मुझे बताओ, ये जो इस वीडियो में हमने जो तूरी बनाई थी वहाँ पर, एक दो बनाए थे जो, जी, तो वो तूरी बिक चुकी है या ये है वो, या फिर अभी आई नहीं है वो, उसका ज़रा बताओ। शामिर भाई वो तूरी आके बिक के मेरे ख्याल से अब तो हज़म भी हो गई होगी ये, क्योंकि उसके बाद से अब माशाल्लाह से छठा या सातवां ट्रक है जो अनलोड हुआ है और बहुत तेज़ी से तूड़ी आ रही है। आपको पता है जैसे कि सिंध के जो हालात रहे थे उसके बाद से तूड़ी की काफ़ी शॉर्टेज हुई थी मार्केट में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत लाख लाख के हमारे स्टॉक में कुछ ऐसा ख़ास इफ़ेक्ट नहीं आया था। तो बस ये आपके सामने ही है, वहाँ पे मुल्तान में भी आप सबको हमने दिखाया था कितना बड़ा सेटअप है और माशाल्लाह से अराउंड 50,000 मन हमारे पास अभी स्टॉक में अवेलेबल है, जो कि हम लोग रिटेल भी करते हैं, और अगर किसी को पूरा कंटेनर चाहिए होता है तो वो भी हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। अच्छा उमर एक बात मुझे और बताओ भाई, जैसे कोई एक जानवर अपने घर में पाल रहा है जी, उसको एक से दो मन तीन मन चाहिए अभी जी, मिसाल के तौर पर, तो वो सप्लाई करोगे या फिर नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल, इसमें रिटेल में देखें होता यही है कि कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी हम लोग ये नहीं कहते कि आपने 10 मन लेनी है 20 मन लेनी है, आपको शॉप पे जाके दिखाएंगे इंशाल्लाह, कोई 1 मन भी लेके जाता है, कोई 20 किलो भी लेके जाता है। तो रिटेल में होता यही है, पहले जो हमारा था कि सिर्फ हम लोग फार्म से होलसेल करते थे उसमें ये होता था कि फिर ज़्यादा क्वान्टिटी में लोग लेके जाते थे, लेकिन रिटेल की शॉप में लोग अपनी ही मर्ज़ी से लेके जाते हैं, किसी को 20 जितनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है उनकी। सही। अच्छा उमर किसी को अगर रब्ता हो तो नंबर चल जाएगा? जी जी बिल्कुल, कांटेक्ट होगा, मतलब कि गडाफ से तूरी लेके जाने बिल्कुल फ़ायदा होगा, क्योंकि रेट्स माशाल्लाह से हमारे अभी भी अनमैचेबल हैं पूरे गडाफ में। अच्छा। और आप पहले पूरी मार्केट सर्वे करके आएँ, कोई मसला नहीं है, उसके बाद आके हमारे देखो जानवर पाल लें उसको रेट पता ही होंगे। जी बिल्कुल, तो बस आप रब्ता करें, क्योंकि मैंने जो रेट सुने तो वो मार्केट से कम ही है। बिल्कुल कम है, और खुसूसी अगर ऐसे के मंडी है कि आप इससे तवस्स से आते हैं तो मज़ीद डिस्काउंट आपको देंगे, कोई ऐसी मसले की बात नहीं है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। चलें दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है, ये इनका एक और जगह इन्होंने बनाई हुई है, उसमें ज़रा अभी काम चल रहा है, तो एक वीडियो और एक तूरी के ऊपर प्रॉपर करेंगे अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।